Hello students, here we are once again with JPIC Digital Study. Students, today in this video, we are going to learn about the verb types, transitive and intransitive verbs. First, before telling about the transitive and intransitive verbs, I want to tell you about the verbs. What is a verb? Verb kya hai? Verb is a word that qualifies actions. यानी verb क्या है? Verb वह है जो action को define करता है. Means to say, किसी वस्तु अथवा व्यक्ति की दशा बताना या के परिवर्तन का बोध कराने वाला शब्द क्रिया कहलाता है. क्रिया के दो types हैं. दो टाइप्स हैं, एक है ट्रांजिटिव और दूसरा इंट्रांजिटिव वर्ब. इंट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव और ट्रांजिटिव वर्ब. अकर्मक क्रिया और सकर्मक क्रिया. अब जानेंगे कि अकर्मक और सकर्मक क्रिया में क्या डिफरेंस है. तो जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट हो रहा है कि अकर्मक और सकर्मक, यानी एक में कर्म होगा दूसरे में कर्म नहीं है ना. कर्म मीन टू से ऑब्जेक्ट, ऐसी वर्ब जो ऑब्जेक्ट कैरी करती हैं साथ में हो सकर्मक, और ऐसी वर्ब जिनमें ऑब्जेक्ट साथ में नहीं होता वो अकर्मक. इसके अर्थ को और क्लियरिफाई करने के लिए जानिए कि ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट प्रभावित होता है, किसी वर्क से सब्जेक्ट अगर प्रभावित हो रहा है तो वैसी क्रियाएं अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी, और ऐसे सेंटेंस जिनमें कार्य के होने पर ऑब्जेक्ट प्रभावित हो रहा है यानी कर्म प्रभावित हो रहा है तो ऐसी स्थिति में वह क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं होंगी. जैसे मोहन रंस, मोहन रंस. तो इस सेंटेंस में देख रहे हैं मोहन रंस. मोहन क्या कार्य करता है? दौड़ने का कार्य कर रहा है. दौड़ने से क्या हो रहा है? मोहन प्रभावित हो रहा है. मीन्स मोहन की स्थिति में परिवर्तन हो रहा है. और यहां पर देखिए मोहन रंस से रेश, तो यहां पर क्या प्रभावित होगा? यहां पर सब्जेक्ट नहीं बल्कि रेस प्रभावित होगी. या तो वह हारेगा या तो जीतेगा, या ऑब्जेक्ट भी कैरी कर रहा है. यहाँ रेस क्या है? एक ऑब्जेक्ट है, इसलिए सकर्मक क्रिया है. और इस सेंटेंस में देख रहे हैं ऑब्जेक्ट नहीं है या अकर्मक क्रिया है. तो आइए सकर्मक और अकर्मक क्रिया की डेफिनेशंस के बारे में जानते हैं. तो आइए एक एक करके सकर्मक और अकर्मक क्रिया के बारे में जानते हैं. सकर्मक क्रिया क्या है? इस तरह की क्रियाएं जो अपने सब्जेक्ट के अर्थ को, यानी सब्जेक्ट के साथ मिल करके वाक्य के अर्थ को पूरा करने में सक्षम नहीं होती हैं, अर्थात वाक्य के अर्थ को पूरा करने के लिए उन्हें ऑब्जेक्ट की जरूरत पड़ती है, ऐसी क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाती हैं. तो ऐसी वर्ब जिन्हें सब्जेक्ट के अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता पड़ती है.
पड़ती है सकर्मक क्रिया कहलाती है। सकर्मक क्रिया यानी ट्रांजिटिव वर्ब कहलाती। मीन्स ऐसी स्थिति में सब्जेक्ट नहीं बल्कि ऑब्जेक्ट प्रभावित होगा। जैसे मोहन राइट्स अ लेटर, सोहन बॉट ए बुक, नेहा ड्रिंक्स वाटर, यू शोल्ड अ कार। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि हर एक सेंटेंस में ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट के न रहने पर सब्जेक्ट वर्ब के साथ अपने अर्थ को पूरा करने में सक्षम नहीं है, तो इस तरह की क्रियाएं सकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। आइए हम अकर्मक क्रियाएं यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जानते हैं। सकर्मक क्रिया के बाद आइए हम अकर्मक क्रियाओं के बारे में जानते हैं। अकर्मक क्रियाएं यानी इंट्रांजिटिव वर्ब्स। इंट्रांजिटिव वर्ब्स हैं क्या? तो ऐसी वर्ब जिनसे केवल सब्जेक्ट प्रभावित रहता है वह क्रियाएं इंट्रांजिटिव क्रियाएं कहलाती हैं, और इनको अपने वाक्य को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की आवश्यकता नहीं होती है, बल्कि उस वाक्य में जो वाक्य को पूरा करने के शब्द होते हैं ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि कॉम्प्लीमेंट कहे जाते हैं। तो ऐसी क्रियाएं इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती हैं। मीन्स टू से ऐसी क्रियाएं जिनसे केवल सब्जेक्ट प्रभावित होता है, सब्जेक्ट प्रभावित रहता है, इंट्रांजिटिव वर्ब्स कहलाती है। जैसे मोहन रन्स, द गर्ल्स आर डांसिंग, सी इज रीडिंग, सीमा इज रनिंग, द वेदर चेंज्ड, ही अपीयर्स। तो इस तरह की क्रियाएं जिनको अपने अर्थ को पूरा करने के लिए ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है ये क्रियाएं इंट्रांजिटिव वर्ब्स यानी अकर्मक क्रियाएं कहलाएंगी। डियर स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में आपने ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव वर्ब्स के बारे में जाना। इस वीडियो की मदद से इन क्रियाओं को लर्न करें। हम ग्रामर के नेक्स्ट चैप्टर के साथ आपको नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद।